एवरी वन वेलकम टू कर एंड क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विच इज़ ए लेक्चर नंबर सिक्स लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो मैंने कल कोइज़ अपलोड किया था वो 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 आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पहले हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं ठीक है मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किए उनके आंसर्स जो कि अच्छी बात है आपको टाइमली जो है ऐसे एम सी क्यूज़ वगैरह अटैम्प्ट करते रहने होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा अदरवाइज आप कितना भी पढ़ लो और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ तो वो सारी पढ़ाई वेस्ट होती है तो ये फर्स्ट लेक्चर पे बेस्ड क्वेज था जल्दी मैं सेकेंड लेक्चर थर्ड लेक्चर ऐसे हर लेक्चर का जो क्वेइज है वो अपलोड करती रहूंगी उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं ठीक है तो पहले हम क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन था व्हाट इज अ प्राइमरी फोकस ऑफ ए सोसाइटी देखो सोसाइटी की जहां भी बात आती है तो आपको किस पे ध्यान देना होगा कलेक्टिविटी पे कलेक्टिव थॉट पे ठीक है यूनिटी सॉलिडारिटी पे जो प्राइमरी फोकस है सोसाइटी का वो उस तरफ होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें नहीं आएगा इंडिविजुअल सक्सेस भी नहीं आता है क्योंकि आपको प्राइमरी फोकस देखना है तो सोशल ऑर्गेनाइजेशनशिप एंड रिलेशनशिप इसका आंसर होगा सेकेंड इज विच टर्म रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम लोकैलिटी एंड शेयरिंग सम कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज तो लोकैलिटी जहां पे भी लोकैलिटी की बात आएगी एक जोग्राफिकल लोकेशन तो वो किससे रिलेटेड होगा आपके कम्युनिटी से ये मैंने आपको वीडियो में बताया था इन द कॉन्टेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर वर्ट डन जी ओ स्टैंड फॉर ठीक है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और ये वीडियो में कवर्ड नहीं है लेकिन आप सोशल वेलफेयर का एग्जाम दे रहे हैं तो एटलीस्ट इतनी बेसिक नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती है आपको एनजीओ वगैरह का फुल फॉर्म पता हो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वॉलंटरी एसोसिएशन का इसमें वॉलंटरी ऑलरेडी है की वर्ड तो काफी इजी हो जाता है इसको सिलेक्ट करना विलिंग एंड वॉलेंटरी में इसका आंसर है विथ सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट एम्फिस इंटरकनेक्टेडनेसनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सोसाइटी अब देखो हमने सिंबॉलिक इंटरक्शनिज्म नहीं पढ़ा ठीक है मैंने आपको नहीं बताया आपके काम की चीज़ नहीं है फेमिनिस्ट थ्योरी भी अभी तक हमने टच नहीं की फिलहाल आपके काम की चीज़ नहीं है मैंने आपको दो चीजें बताई कॉन्फ्लिक्ट एंड फंक्शनलिज्म ठीक है तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये किसकी तरफ ध्यान देता है जो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट एंड केयर्स होता है सोसाइटी में और जो सोसाइटी में यूनिटी होती है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस uh, होती है वो किससे रिलेट किया था फंक्शनलिज्म से क्योंकि ये हमेशा फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो इसका आंसर होगा ए प्राइमरी गोल क्या है सोशल वेलफेयर का ठीक है तो किस लिए आप सोशल वेलफेयर करते हो कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए हाँ हो सकता है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा आपका वेलफेयर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द सेंस कि जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए पॉलिटिकल डोमिनेंस तो नहीं है इन एनी केस एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन भी नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आप किसी हद तक मान सकते हो लेकिन आपको आंसर करना है प्राइमरी गोल तो वो क्या होगा इक्वालिटी एंड जस्टिस क्योंकि सोशल वेलफेयर में आप क्या करते हो आप जस्टिस की बात करते हो आपको सारे लेवल ऑफ सोसाइटी जो है उनको एक ही लेवल पे लाना है डिफरेंट लेयर्स को अकॉर्डिंगली जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे ध्यान देना है ठीक है चाहे वो सोशल जस्टिस हो या इकोनॉमिक जस्टिस हो विच टर्म रेफर्स टू सेट ऑफ प्रेस्क्राइब रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन मैंने कहा था आपको जहां भी प्रिस्क्राइब देखो अगर आपको चीज प्रेस्क्राइब की जाती है तो वो आपके नॉर्म्स है ओके okay, वैल्यूज नहीं होंगे लॉस कस्टम्स नहीं ठीक है यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है नॉर्म्स आपके वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल कैपिटल इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ क्या करता है सोशल कैपिटल होता है क्या है बेसिकली आपका ये कैपिटल होता है जो आप आगे जाके इन्वेस्ट करते हो किसी चीज में जो आपने कमाया होता है वो आपका कैपिटल होता है जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको टेन लाख ,00 रुपीज़ जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है ठीक है तो टेन लाख रुपीज़ आपका कैपिटल होता है तो जब हम सोशल कैपिटल की बात करते हैं सोसाइटी का कैपिटल क्या होगा आपका जो इंटरकनेक्शन होता है बाकी लोगों के साथ आपकी जो नेटवर्किंग होती है ठीक है आपका जो रिलेशन आप बिल्ड करते हो सोसाइटी में तो वो सारा आपका सोशल कैपिटल में आता है तो क्या इसकी सिग्निफिकेंस होगी इन सब चीजों की जो मैंने आपको यहां बताया सोशल कनेक्शन एंड नेटवर्क ठीक है फिजिकल नहीं आएगा उसमें एजुकेशन रिसोर्सेज एजुकेशन रिसोर्स इनडायरेक्टली हो सकता है फाइनेंशियल एसेट्स भी नहीं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें कौन सा होगा सोशल कनेक्शन एंड नेटवर्क ठीक आगे देखते हैं विच टाइप ऑफ कम्युनिटी सर्विस फोकस ऑन द इमीडिएट एंड डायरेक्ट असिस्टेंस टू इंडिविजुअल इन नीड ठीक है तो देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन विडियो या बुक से नहीं निकलेगा यूजअली वैसा ही क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा क्या करना होगा इसमें अपना दिमाग यूज करना होगा ये कह रहा है कम्युनिटी सर्विस कम्युनिटी सर्विस जो आप अपने अगर आप कल को सुपरवाइजर बनते भी हो बेसिकली आपको क्या करना है लोगों के लिए काम ही तो करना है तो वो लोग कौन है आपकी कम्युनिटी आप उनको सर्व कर रहे हो अब एक कौन सी टाइप ऑफ सर्विस है जो फोकस करेगी इमीडिएट जल्दी असिस्टेंस मिल जाए डायरेक्ट असिस्टेंस टू तो इंडिविजुअल डायरेक्ट मीन्स जहां पे आपका फेस टू तो फेस इंटरेक्शन हो लोग आपको सीधे बुला सकें कॉल कर सकें एंड आप उनके साथ डायरेक्टली बात कर सको तो वो किस में होगा रिसर्च इमिडिएट तो नहीं होती फिलेम वर्क जो होता है वो इमिडिएट और तो डायरेक्ट असिस्टेंस तो आपको नहीं देता है ना फिलेम में आप डोनेशन वगैरह करते हो लेकिन वो इतना इमिडिएट नहीं होता है ठीक है एडवोकेसी भी इसमें नहीं आएगा तो डायरेक्ट सर्विस का आंसर हो गया ठीक है तो ये आपको डायरेक्ट असिस्टेंस मिलती है थ्रू डेट सर्विस एंड आप क्या करते हो इमिडिएटली आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ऑफ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज वट डज कम्युनिटी मीन ये दरअसल क्या है जो पीपीटीज मैंने आपको दी हुई है ठीक है कम्युनिटी का क्या मतलब होता है टू वर्क टुगेदर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ हमने क्या बात करी थी इकोनॉमिक ग्रोथ की नहीं to live together and isolation isolation की बात की थी नहीं to compete against one another नहीं क्योंकि ये तो अर्बन और मेट्रोस वाला आ गया ना फिर इसमें कांसेप्ट कंपीट करना कंपटीशन होना हमने बात की कम्युनिटी की जहाँ पे वी फीलिंग है लोगों में अगर आप वी फीलिंग दिमाग में रखोगे तो काफी इक्वेशंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे तो कम्युनिटी क्या कहता है तो सर्व टुगेदर कम्युनिस्ट ठीक है लैटिन वर्ड वट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द इन एबिलिटी ऑफ ह्यूमस टू लिव इन आइसोलेशन क्यों नहीं रह सकते वो आइसोलेशन में इकोनॉमिक रीजन्स नहीं अगर आप आइसोलेशन में रहो तो भी आप काफी अमीर हो सकते हो इंडिविजुअल सक्सेस नहीं ये भी रीजन नहीं होगा पॉलिटिकल पावर फिर तो आइसोलेशन की बात ही नहीं आई आइसोलेशन में आप क्यों नहीं रह सकते हो क्योंकि सर्वाइवल एंड कॉन्टैक्ट विद फेलो बींग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई इंसान आइसोलेशन में नहीं रह सकता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है पीपीटीज uh, में गिवन भी है वट टेंस टू डेवलप एमंग लिविंग पीपल लिविंग इन क्लोज अप्रॉक्सिमिटी दैट मीनस क्लोज क्लोजनेस में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर लोग इकट्ठे रह रहे हैं काफी टाइम तक तो उनमें क्या डेवलप हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी नहीं इकट्ठे सारे बेकार लोग काफी टाइम से रह रहे हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से होगी पॉलिटिकल डोमिनेस होगी नहीं इंडिविजुअल सक्सेस होगी कैसे हो सकती है अगर सारे लोग रह रहे हैं इकट्ठे काफी टाइम तक तो इंडिविजुअली वो कैसे सक्सीड करेंगे पॉलिटिकली कैसे डोमिनेट करेंगे तो ये सारे रूल आउट हो गए तो क्या डेवलप हो सकता है कॉमन आइडिया एंड कस्टम्स क्योंकि आप बातचीत करोगे आइडियोलॉजीज अपनी एक दूसरे को बताओगे ठीक है अपने कस्टम्स शेयर करोगे तो ये इन चीजों की डेवलपमेंट हो सकती है वट इज द टाइमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिटी ये डराइव हुआ है दो लैटिन वर्ड से कम सॉरी यहां पे टाइप वो अरर है एंड म्यूनस ठीक है दिस इज योर आंसर ए फोर्टींथ क्वेश्चन इज वट डबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लाइकनेस और सिमिलैरिटी अमंग द पीपल इन अ पर्टिक्युलर लोकैलिटी तो क्या बोलता है उनकी लाइकनेस और सिमिलैरिटी के बारे में क्या वो रेयर एंड अनैचुरल है नहीं क्या वो रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है नो ये हमने कहीं नहीं पढ़ा क्या पोलिटिकल एफिलेशन की वजह से डेवलपमेंट ऑफ लाइकनेस और सिमिलैरिटी होती है ये भी मैंने आपको कहीं नहीं बताया वो किस वजह से होती है आपकी क्वाइट नेचुरल ओवर टाइम जो लाइकनेस और सिमिलैरिटी है वो बिल्ड होती रहती है तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी मैंने आपको कहा था इस वीडियो में आई गिव अ शाउट आउट टू तो जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एक आपका नाम था अस्मा वहीद एंड सेकंड इज योर शाइस्ता फैसल मलिक इन्होंने भी अटेम्प्ट किया है ये और आई गेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इनके वो सही है बाकी आप क्या करोगे जो मैंने ये वीडियो सोलूशन अपलोड किया है इसे टैली कर लोगे एक बार अपने सारे आंसर्स अगर कुछ भी गलत होगा तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा डाउट फिर मेजोरिटी आंसर्स जो हैं वो आ, सही ही हैं आप लोगों के एंड थर्ड वन इज योर यज जीरो जीरो सेवन ठीक है इसका एक्चुअल नेम मुझे नहीं पता है एंड फोर्थ वन इज योर तो इन लोगों ने अटेम्प्ट किया इट्स अ वेरी गुड थिंग ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहे ये मैं आपको बोल रही हूँ कि जब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे अगर आपने कितना भी पढ़ा होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी ठीक है तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट साथ साथ करने करते रहना है तो क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं um, फैमिली मैरिज एंड किनशिप ठीक है तो ये स्टार्टिंग इसका हो गया था एक क्लियर मैंने आपके बता दिया था यहाँ पे और एक चीज मुझे ऐड करनी है वेट जहां मैंने आपको टोडास की सेरेमनी बो एंड एरो सेरेमनी की बात करी थी वो पेटर आ, पेरेंट हुड डिटर्मिन करने की तो वहां पे आपको एक और लाइन याद रखनी है एक मैंने आपको कहा था पता नहीं ढूंढ लेना कहाँ पे है एक मैंने आपको कहा था पेटर वो डिटर्मिन करते हैं उसको हम सोशल फादरहुड कहते हैं वो बो एंड सेरेमनी से डिटर्मिन करते हैं टोडास एंड उसका ऑपोजिट है अगर बायोलॉजिकल फादरहुड पता होगा तो उसका टर्म क्या है जेनेटर बायोलॉजिकल फादरहुड के लिए ठीक है तो आगे चलते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो अभी तक मैंने इसी के रिलेटेड मैरेजिस के रिलेटेड जो पुराने वीडियो में हमने नहीं कवर करी तो ये चीजें आप ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें कई चीजें हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं था तो इसके लिए मुझे बाकी रिसोर्सेज जो है वो कंसल्ट करने पड़े तो देखते हैं वो क्या क्या थी एक है आपका सरोरेट एंड लेवरेट मैरेज ये भी एक टाइप ऑफ मैरिज होता है सरोरेट and... इसको आप ऐसे करके याद रखोगे सरोरेट क्या होता है अगर कोई इंसान है ठीक है कोई मैन है उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है या उसकी वाइफ जो है वो इनफर्टाइल होती है दैट मींस वो एक बेबी जो है वो बेर नहीं कर सकती वो एक उनका बेबी नहीं हो सकता है ठीक है तो वो इनफर्टाइल हो गई तो आप क्या करोगे आपने सॉरी तो वो आदमी क्या करेगा वो क्या करता है वो जो वाइफ की सिस्टर है उससे शादी करता है वो डिस वाइफ भी हो सकती है या जो इनफर्टाइल वाइफ है वो भी हो सकती है उनसे शादी करता है उन मैरेजेज को हम सरूरेट मैरेजेस कहते हैं लेवरेट मैरिज़ इसका उल्टा है अगर कोई औरत है एंड और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है हस्बैंड आइज या वो इनफर्टाइल होते हैं उनके हस्बैंड वो बेबी जो है पैदा नहीं हो सकता उनके हस्बैंड का तो वो क्या करते हैं हस्बैंड के ब्रदर से शादी करते हैं लेवरेट मैरेजेज यूजुअली पहले केसेस में होती हैं जब हस्बैंड की जो डेथ हो जाए ज्यादा यही केस होते हैं लेबेरेट के तो उनके बाई से शादी करते हैं ठीक है इन मैरेजेस को हम लेवेट मैरिज बोलते हैं तो इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका है आप कैसे याद रखते हो इसको सरोट होता है एस फॉर सरोट एस फॉर साली साली तो बेसिकली ये जो सरोट मैरिज है जीजा साली की शादी है अगर आपको बस ये एक चीज याद रहा एस से सरोट एस साली दैट मीन जीजा और साली की शादी है साली के साथ शादी क्यों कर रहा है क्योंकि अपनी बीवी या तो बेबी नहीं दे सकती या तो मर गई है तो उन शादी को हम सरोरेट बोलते इसको आप सरोरल के साथ कंफ्यूज नहीं करना वो वो शादी है जिसमें जो वाइव्स होंगी आपस में वो सिस्टर्स होंगी ठीक है वो सरोन होता है सरोरेट है सरोरेट एंड लेबरेट अब देखो हिंदूज में शादी करने का और एक आ, भी बिलीफ होता है क्योंकि उनको कुछ ड्यूटीज फुलफिल करनी होती है एक होता है पितरी रिना जो होता है पेटर्नल ऑब्लिगेशन जो ओनली बाय गेटिंग ए सन वो पूरा कर सकते हैं इस वजह से वो शादी जो है उनके लिए काफी जरूरी है सेकेंड इज देयर फैमिली ऑब्लिगेशन जिसको वो बोलते हैं कुटुंब दरवा ठीक है एंड इन वन ऑफ द मैरिज रिचुअल्स कॉल्ड सप्तपदी सप्तपदी क्या होता है कल मैंने बताया था जो सेवन राउंड्स करते हैं सात फेरे तो उसमें हस्बैंड क्या करता है वो बोलता है कि शादी जो वो किस लिए कर रहा है बीवी से ताकि बीवी से उनको बाद में बच्चे मिल सके तो ये कुछ अपलिगेशन है जो हिंदुइज्म में पितरी रिना एंड कुटुंबर्मी रिलेटेड टू मैरिज ये सारे जो की आप याद रखोगे कभी एग्जाम में डायरेक्टली की वर्ड से आपका क्वेश्चन बन जाता है एंड सेकेंडली और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमने अभी तक देखा कास्ट एंडी ठीक है दैट मीन्स इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है इंटर कास्ट अलाउड नहीं है एक कास्ट दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकता है इंट्रा कास्ट करनी है इंट्रा मीन्स विद इन द सेम कास्ट ठीक है अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अरोरा कास्ट है तो विद इन अरोराज वो शादी कर सकते हैं अब बाहर से कोई कास्ट है खन्ना अरोरा और खन्ना शादी नहीं कर सकते ठीक है तो मैंने के बेस पर आपको समझाने के लिए बोला कास्ट इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है भाई नहीं बस आपको इंटर और इंट्रा का मीनिंग समझाने के लिए अब देखो कास्ट एंडी में भी एक चीज थी ऑल दो स्क्रिप्ट कास्ट एंडोगी बोलते थे लेकिन कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिटल अलायंसिस भी हो रही थी वही इंटरकास्ट मैरिटल अलायंसिस दैट मीन एक कास्ट दूसरी कास्ट से शादी करता है उसको दो टाइप डिवाइड किया गया एक नाम होगा नाइपरगैमी जैसे हाइपर टेंशन है किसी को तो उनका टेंशन काफी ज्यादा है तो हाइपर बोलते हैं उस चीज को इसमें मोर क्या होता है इसमें आप जो जो ये है टाइप हाइपरगैमी एन हाइपोगैमी इसमें आप याद रख लेना जेंडर बॉय होता है मतलब ये कोई रूल नहीं है मैं आपको बस याद रखने के लिए बोल रही हूं आपको कैसे याद रखना है जेंडर आप बॉय दिमाग में रखोगे तो हाइपर मीन ज्यादा तो बॉय ज्यादा दैट मीन हाई कास्ट किसकी होगी बॉय की ठीक है एंड लो कास्ट फीमेल होंगी लो कास्ट गर्ल होगी उन टाइप ऑफ शादियों को हम कहते हैं हाइपर गैमी और अनुलोमा दूसरा वो आपका हाइपो, जहां पे भी हम हाइपो नाम सुनते हैं हाइपो मींस लेस जैसे हाइपर थारॉइड क्या होता है किसी का थाइरॉयड ज्यादा है हाइपो थारॉयड होता है थारॉयड लेस से तो जेंडर क्या याद रखोगे आप बॉय ठीक है हाइपोगैमी मीन्स लेस कास्ट का लो कास्ट का बॉय है लो कास्ट बॉय एंड हाई कास्ट गर्ल ठीक है इसका दूसरा नाम है प्रतिलोमा ये अनुलोमा एंड प्रतिलोमा ठीक तो है अनुलोमा अनुलोमाइज हाइपरगैमी मींस कि जो मैं आपको बोल रही हूँ ना बॉय जेंडर याद रखो ये बस आपको याद रखने के लिए है ये कोई रूल नहीं है मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचोगे अच्छा हाई कास्ट ऑफ बॉय हमेशा याद रखना है नहीं हाइपर बस बताने के लिए हाइपर मीन्स मोर एंड मोर कौन होगा बॉय ठीक है तो हाई कास्ट बॉय है उसका ऑपोजिट फिर चलेगा प्रतिलोमा और एक तरीका याद रखने का प्रतिलोमा प्रति से आप याद रखो पति एंड लो लोमा तो पति लो कास्ट का होता है तो वो हाइपोगैमस मैरिजेस होती हैं ठीक है एंड योर अनलोमा तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है एंड सेकंड थर्डली इज योर प्रेफरेंशियल मैरिजेज एंड प्रेस्क्रिप्टिव मैरेजेस और गोस्ट मैरेजेस भी होती हैं प्रेफरेंशियल मैरेजेस होती हैं पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज में आती हैं प्रेस्क्रिप्टिव होती है नेगेटिव रूल्स में दैट मीन पॉजिटिव कहां शादी हो सकती है नेगेटिव कहाँ नहीं हो सकती है प्रेफरेंशियल में दो टाइप्स की मैरिजेज आती हैं क्रॉस कजन मैरिजेज एंड पैरल कजन मैरिजेज तो कहाँ कहाँ पे शादियां हो सकती हैं मुस्लिम्स में क्रॉस कजन भी अलाउड है पैरल भी अलाउड है लेकिन साउथ इंडिया में आपको पता है ना नॉर्थ ये आपका ये आपका साउथ इंडिया हो गया ये आपका नॉर्थ इंडिया हो गया यहाँ से वेस्ट हो गया यहाँ से ईस्ट हो गया तो हम इस पार्ट की बात करें साउथ इंडिया की ठीक है जहां पे आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला वगैरह वो स्टेट्स होती हैं तो वहां पे क्या होता है वहां पे क्रॉस कजन मैरेजेज अलाउड है ठीक है वहां पे इवन मामू और मामू की जो नीस होती है उनकी शादियां भी अलाउड होती हैं साउथ में अब मुस्लिम्स में क्या होता है क्रॉस एंड पैनल दोनों अलाउड है अब आप सोच रहे हो ये तो बता ही नहीं रही है क्रॉस एंड पैनल क्या है तो आप वेट करो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी क्रॉस होता है जिसमें जेंडर्स सिबलिंग्स के ऑपोजिट के होते हैं या हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना पैरल जिसमें आपके जेंडर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं पेरेंटल सिबलिंग्स के साथ फॉर एग्जाम्पल ये आप हो ठीक है आप हो मिस ए मिस ए अगर शादी करती है अपने क्रॉस मींस ऑपोजिट जेंडर किसका पेरेंट सिबलिंग का आपके फादर की जो सिस्टर है उनके सन के साथ अगर आप शादी करो तो दैट मीन्स आपने शादी किसके साथ की फादर के ऑपोजिट सिबलिंग के साथ सिबलिंग कौन होता है आपका भाई भाई बहन तो फादर का सिबलिंग क्या हो गया फादर का भाई या फादर की बहन अगर जो मिस ए है वो शादी करती है बुआ के बेटे के साथ क्योंकि बुआ और फादर का जेंडर जो है वो अलग है ऑपोजिट जेंडर के ऑफ स्प्रिंग के साथ शादी करती है तो वो क्रॉस कजन कहलाएगी दूसरा ऑपोजिट कौन सा हुआ आपकी मदर है मदर का ऑपोजिट जेंडर कौन सा हुआ आपके मामू ठीक है मामू अब अगर आप अपने मामू के बेटे के साथ शादी करो इन दो टाइप की शादियों को हम क्रॉस काजन कहते हैं क्योंकि इसमें जेंडर्स क्रॉस हो रहे हैं वो कौन से जेंडर्स क्रॉस हो रहे हैं आपके पेरेंट के सिबलिंग के जेंडर्स पैरेलल होते हैं सेम जेंडर सेम जेंडर क्या हो आप खुद ही पहले वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल बनाओ ये मिस ए है नहीं मिस बी कर देते हैं ए ने काफी शादियां कर ली मिस बी जो है वो क्या करती है अपने फादर के ब्रदर के बेटे के साथ शादी कर रही हैं तो ये क्या आ गया सेम जेंडर आ गया पेरेंट के साथ अगर वो शादी करेंगी मदर के सिस्टर के बेटे के साथ ये भी क्या आ गया मदर और सिस्टर मदर के मदर एक तो आपकी मदर है और आपकी मदर की सिस्टर है आपकी मासी है माँ और मासी का जेंडर सेम है सेम जेंडर के बेटे के साथ आप शादी करोगे तो वो क्या आएगी आपकी पैरेलल मैरिज ठीक है पैरेलल कजन मैरिज मुस्लिम्स में सारी अलाउड है बुआ मामू चाचू एंड मासी सबके बच्चों के साथ आप कर सकते हो लेकिन साउथ में सिर्फ पैरेलल है वहां पे सिर्फ आप मासी या चाचू के बेटे के साथ शादी कर सकते हो तो ये याद रख लेना यहाँ पे जेंडर चेंज हो रहे हैं किसके जेंडर्स आपके जो फादर के या मदर के सिबलिंग्स हैं उनके जेंडर्स चेंज हो रहे हैं ठीक है नेगेटिव रूल्स है नॉर्थ इंडिया जो है आपका ये वाला पोर्शन इसमें ये कोई टाइप ऑफ मैरिज जो है वो प्रिविलेंट नहीं है वहां पे क्रॉस ना क्रॉस काजन ना पैरेलल वहां काजन मैरिज को ही बहुत ही मतलब होती नहीं है वहां पे या yeah, एबसेंट है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में गोस्ट मैरिज कौन से होते हैं अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है वो शादी कर लेती है लेकिन उनसे जो उनके बच्चे होते हैं वो अभी भी चिल्ड्रन ऑफ द डेड जो उनका पेरेंट होता है चाहे वो मदर हो या फादर हो वो उन्हीं के कंसिडर किए जाते हैं जो रीमैरी करके आपका हस्बैंड या वाइफ होगी उसके बच्चे वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं इसीलिए गोस्ट गोस्ट से आप डेड याद रख लेना जो मरा हुआ पेरेंट होगा उसी के ही बच्चे वो कंसिडर किए जाएंगे ठीक है मेड सिलेक्शन अमंग ट्राइब्स कैसे होती है ये भी आई गेस आपके अः uh, सी एन शंकर राव पे गिवन नहीं है तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखोगे मैरिज बाय परचेज खरीद के हो सकता है या बाय सर्विस ठीक है अब परचेज क्या होता है ब्राइड प्राइस पे करना होता है अगर वो कम अमाउंट में पे करेंगे तो वो कौन से करते हैं रेंगमा नागाज ये ट्राइब्स याद कर लेना एंड हाई प्राइस में कौन करता है इन केस ऑफ होस ठीक है झारखंड वगैरह साइड से ट्राइब है शायद हो एंड एक आपकी होती है असम ट्राइब्स गिव हैव फाउंड अ वे आउट ऑफ दी हाई ब्राइड प्राइस वो क्या करते हैं वो सर्विस करते हैं तो आपके रेंगम नागा हो गए जो लो प्राइस पे करते हैं ठीक है फिर आपके होज होते हैं जो हाई प्राइस पे करते हैं एंड आपके जो गोंड्स हैं ये क्या करते हैं ये सर्विस करते हैं जो आपका है, आपका जो वो आपके फादर के साथ आके आपके घर में रहता है आपके मॉम uh, डैड के साथ और उनको सर्व करता है उनकी खिदमत करता है काफी सालों तक और उसके बाद उस खिदमत के उसमें क्या उसको मुआवजा क्या मिलता है हाँ उसकी शादी उसके साथ हो जाती है उस खिदमत के बदले वो कहते हैं कि अब मेरी शादी अपनी बेटी के साथ कराओ ठीक है ये क्या होता है इसको क्या बोलते हैं मैरिज बाय परचेज एंड मैरिज बाय सर्विस यूथ डोमेट्रीज ट्राइबल एरियाज में होते हैं यूथ डोमेट्रीज बनी होती है इसमें बेसिकली क्या होता है जो लड़का लड़की होते हैं वो एक साथ वहां पे रहते हैं एक घर में उनके बीच में सेक्शुअल रिलेशन वगैरह रहते हैं ठीक है तो फिर जिसके साथ वो रिलेशन बना है उनको लुक डाउन नहीं किया जाता कि इनके साथ सेक्शुअल रिलेशन है इतने सारे लोगों के साथ बनाते हैं फिर उनकी मर्जी होती है उनमें से वो किसके साथ शादी करेंगे ठीक है अगर नहीं माना तो एलोपमेंट इज ऑल्सो ए सोल्यूशन वो भाग भी सकते हैं इवेंचुअली जो पेरेंट्स हैं उनको बाद में वापस बुलाई हैं मैरिज बाई कैप्चर होता है आप जबरदस्ती करते हो या तो फिजिकल कैप्चर होगा आपने जबरदस्ती कर लिया या सेरेमोनियल कैप्चर होता है कोई सेरेमनी वगैरह या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो उसमें करके आप कैप्चर करते हो मीन्स एक लाइट uh, एटमोस्फेयर एक सेटिंग में होता है ये सारा कप्चर करना है फिजिकल हो गया जबरदस्ती सेरेमोनियल कैप्चर हो गया जहां पे आपको पता होता है कैप्चर होने वाला है और आप उसके लिए कोई फेस्टिवल पहले ऑर्गेनाइज करते हो ठीक है ये कहाँ होता है नागा होस बिल एंड गॉन्ड्स गौ, में तो हमने इसमें दो कैप्चर्स देखे एक तो आपका सेरेमोनियल कैप्चर है एंड सेकेंड इज योर फिजिकल कैप्चर वो यहीं पर कहीं पे लिखा होगा फिजिकल कैप्चर ठीक है दो तरीकों के एक होता है सिलेक्शन बाय ट्रायल इसमें क्या होता है आपको अपनी पावर दिखानी होती है एक डांस सेरेमनी होती है उसमें कुछ पेड़ के इर्द गिर्द राउंड करके वो डांस करते हैं फिर वहां से मेल आता है उसके हाथ में कुछ डंडा होता है तो ऐसे करके कोई बड़ी एक सेरेमनी होती है वो अपना प्रावर्स दिखाते हैं फिजिकल पावर ठीक है एंड दिस इज जनरली डन थ्रू डांस गेम और ये कहाँ पे होता है बिल्स में होता है तो किस आ, ट्राइब में कौन से टाइप की शादी होती है मेट सिलेक्शन होता है वो कैसे अपना दुल्हा चूज करते हैं वो याद रख लेना ये इसमें इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने ट्राइबल्स के नाम लिखे हैं वो जिस भी मेट सिलेक्शन ट्राइबल के साथ एसोसिएटेड है वो ट्राइब का नाम आप याद रखोगे अब हम आ, चलते हैं टूवर्ड्स मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया ठीक है तो मैरिज इसमें हम इसकी मैरिज देखेंगे मुस्लिम्स की एंड डिवोर्स वगैरह वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे तो मुस्लिम्स जो है उनको मैरिज को निकाह बोलते हैं ये आपको पता होगा एंड uh, मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन uh, हिंदू मैरिज क्या है वो सीक्रेट है ठीक है ये हमने लास्ट इसमें कर लिया था मैरिज जो एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट लेकिन अकॉर्डिंग टू रॉ विल्सन उन्होंने क्या कहा था मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ़ लीगलाइज करने के लिए सेक्शुअल इंटरकोर्स को एट प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्शुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करने के लिए शादी करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है इसको प्योरली कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा कई थिंकर्स ने यह भी कहा कि ये भी एक डिवोशनल एक्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम्स में क्या होता है अपना दीन कंप्लीट करना तो इसको एज इबादत भी कंसिडर किया जाता है निकाह करने को ठीक है लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए कॉन्ट्रैक्ट पे शादी किन की होती है कॉन्ट्रैक्ट किन की किस ग्रुप को बोलते हैं तो आपको हमेशा वहां पे मुस्लिम्स ही चूज करना है तो फीचर्स देखते हैं एक मैरिज प्रपोजल होता है एक इसकी एक्सेप्टेंस होती है वो प्रपोजल होता है जो लड़का रखता है उसको इजाब बोलते हैं एंड जो लड़कियां करती हैं और लड़कों को भी करना होता है उसको क्या बोलते हैं कबूल तो ब्राइड ग्रूम जो होता है प्रपोजल टू द ब्राइड जस्ट बिफोर द वेडिंग सेरेमनी इन प्रेजेंस ऑफ दो विटनेस चाहिए एंड अ मौलवी एंड काजी मौलवी और काजी जिसको मुस्लिम बोलते हैं इज कॉल्ड इजाब और उसकी जो एक्सेप्टेंस है उसको क्या बोलते हैं कबूल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कब आप शादी कर सकते हो सिर्फ एडल्ट अडल्ट ऑफ साउंड माइंड अगर अनसाउंड माइंड के हो तो आपकी शादी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होती है चाइल्ड अनसाउंड माइंड इसमें नहीं है में नहीं है, mentally retarded है नहीं है है वगैरह उनकी शादी होती इसमें और एक कैटेगरी है वो है आपकी स्लीव्स ठीक है ये भी रक, इनकी शादी भी रिकग्नाइज नहीं होती है ऑब्जर्वेंस ऑफ डॉक्टर ऑफ इक्वालिटी ऑल्दो यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है उतना डिफाइंड और डिस्क्राइब जितना हिंदूज में है लेकिन क्या आप एक चीज अः ट्रूली फॉलो करते हैं इन स्पिरिट सोसाइटी में क्या हिंदू मैर मुस्लिम मैरिज में कास्ट सिस्टम नहीं है तो ये बात गलत होगी क्योंकि ट्रू सेंस में इसको फॉलो नहीं करता वहाँ पे भी कास्ट की बातें जो है वो होती ही है रन अवे मैरिजेस जो है जिसमें गर्ल्स रन अवे विद बॉयज एंड मैरिंग देम ऑन देयर ओन चॉइस उनको किफा बोलते हैं दे आर नॉट रिकोगगनाइज क्योंकि एक लड़की के वली की जरूरत होती है गार्डियन की ठीक है तो इसमें केस में वो नहीं होगा तो दिस काइंड ऑफ मैरिज आर नॉट रिकोगगनाइज अगर मैरी करना स्लेव्स के साथ दिस इज दिससो नॉट रिकोगनाइज एंड आइडे के साथ वो कौन लोग हैं जो आइडल वर्शिप करते हैं वो वुमेन नहीं कर सकती मैन जो है वो क्रिश्चियंस एंड ज्यूस में मुस्लिम्स में शादी कर सकते हैं जो मुस्लिम मैन है ठीक है मुस्लिम मैरिजेस जो हैं वो हेल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल्स उनको सही निकाह बोलते हैं रेगुलर मैरेजेज जो वैलिड होती हैं एंड जो इस्लामिक बिलीफ और रूल के अकॉर्डिंग नहीं हुई या तो उनको बातिल बोला जाता है या इनवैलिड और वॉइड मैरिजेस ठीक है अब देखते हैं कुछ कंडीशन जो है इनवैलिड वैलिड की वो क्या है पॉलीगैमी एक आदमी जो है मैन वो कर सकता है पॉलीगैमी दैट मींस एक से ज्यादा शादियां पॉलीगैनी टू बी वेरी स्पेसिफिक लेकिन जो वमेन है वो नहीं कर सकती जब तक उनका पहला हस्बैंड जिंदा होगा ठीक है और जो है ऑल्सो के नॉट मैरी फिफ्थ वुमेन उस केस में क्या हो जाएगा शादी वॉइड या इनवैलिड मैरिज विद इन सर्कल कोई आपके क्लोज रिलेटिव है जिनमें आप शादी नहीं कर सकते हो बींग अ मुस्लिम वो कौन है आपके मदर मासी सिस्टर सिस्टर्स डॉटर मदर्स सिस्टर ठीक है मदर्स मदर अच्छा हमें नानी है सिस्टर आपकी मासी आ गई बुआ आ गई डॉटर है वाइफ्स मदर आपकी सास है वाइफ डॉटर बॉन्ड विद दर्स्ट हसबेंड अगर पहले से उनका कोई बेबी है बेटी है उससे शादी नहीं कर सकते हो सनज वाइफ ऑल्सो इट इज नॉट अलाउड तो क्लोज एक निट सर्कल है जिसके बीच में आपकी शादी एज ए मुस्लिम नहीं हो सकती है आइडलीटर्स के साथ इस्लाम जो वो है वो अपोज करता है आइडलिटर को तो आइडल वर्शिप जो भी करते हैं उनके साथ आपकी शादी वैलिड नहीं होती है मैरिज विथ पीपल ऑफ प्री मेच्योर एज एंड अनसाउंड माइंड ये हो गया था ठीक है अगर इम इमेच्योर एज के लोग हैं तो उनको प्रायर कंजेंट चाहिए होता है अपने पेरेंट्स का ठीक है अगर नहीं होगा तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इनवेलिड सिस्टर बिकमिंग को वाइफ्स ये मैंने आपको कहा इसको क्या बोलते हैं सरोरल पोलिगनी ये मुस्लिम्स में अलाउड नहीं है दैट मीन्स अगर आपकी जो वाइफ है जिंदा है तब तक आप उसकी सिस्टर्स शादी नहीं कर सकते हो डेथ के बाद कर सकते हो मैरिंग अ वुमन इन हर ड्यूरिंग हर इद्दत इद्दत क्या होता है थ्री साइकिल का पीरियड अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है ठीक है तो उनको अपने इद्दत कंप्लीट करनी होती है तो वो इद्दत कंप्लीट करने के बाद ही वो शादी कर सकती हैं। अब डिफरेंस क्या है इरेग्युलर एंड इनवैलिड मैरिजेज में वो दो टर्म्स में डिफाइन किया गया है फासिद एंड बातिल मुस्लिम जो है डिस्टिंग टू टाइप्स ऑफ अनएक्सेप्टेबल मैरेजेस कॉल्ड इरेगेगुलर इन वैलिड मैरेजेस जिनको हम फासिद और बादल कहते हैं तो रेगुलर मैरेजेस हो गया सही निका वगैरह जो पूरे इस्लामिक ट्रेडिशन वैल्यूज के साथ होता है जो नहीं होता है उनको हम इरेगुलर मैरेजेस बोलते हैं देन अगेन वो दो टाइप की होती है आपकी फासिद एन आपकी बातिल अब इसमें फासिद क्या है और बातिल क्या है फासिद वो टाइप की इनवैलिड मैरिज है जिसको आप किसी कंडीशन के अंदर कन्वर्ट कर पाते हो रेगुलर या आपके सही मैरिज में बातिल वो टाइप की मैरिज है जो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो मीन्स वो बिल्कुल ही इनवैलिड है हमेशा के लिए ठीक है फासिद और इरेगुलर इज वन विच कुड बी कन्वर्टेड इंटू सही निका बाय रिमूविंग सम ऑफ इट्स इम्पेडिमेंट्स और इरेगुलरिटीज रिमूव करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बातिल मैरेजेस जो हैं दे के नॉट बी कन्वर्टेड इंटू सही मैरेजेज ठीक है एग्जाम्पल ऑफ फासिद अगर विटनेस एबसेंट होगा मुस्लिम मैन ने फिफ्थ टाइम शादी कर ली वुमेन हु इज अंडर गोइंग इद्दत शादी कर ली दीज रेगुलरिटीज कैन बी करेक्टेड बातिल हुआ मैरिज विद इन क्लोज सर्कल ऑफ रिलेटिव मुस्लिम वुमेन मैरिंग एन आइडोलेटर मैरिंग टू और थ्री वुमेन हु आर सिस्टर्स सरूर पॉलिगनी ये इरेग्युलरिटीज आप सही नहीं कर सकते इसलिए ये मैरिज वैलिड नहीं होती हैं मेहर एक प्रैक्टिस होती है डावर ठीक है आपको पता होगा मेहर कौन होता है क्या होता है जो ब्राइड ग्रूम जो होता है दुल्हा किसको देता है दुल्हन को देता है ठीक है तो डावरी आपका अलग है यहां पे मेहर को क्या बोला जाता है डावर और एक याद रख लेना टेम्प्ररी मैरिजेस टेम्प्ररी मैरेजिस मैरिज भी बोलते हैं ये किसी एक टेम्प्ररी टाइम के लिए होती है और ये किन में आती है शिया कम्युनिटी में ठीक है ये एक पॉइंट भी आप लिख सकते हो अपने नोट्स में अब मैरिजेस डिजोल्व कैसे होती है वो फॉलोइंग वेज में डिजोल्व हो सकती है पहला मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है उसी का लॉ चलता है मुस्लिम जो मुस्लिम शादियों का गवर्न करता है ये विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट होती है एज पर शरिया एक्ट और एज पर द मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट जिसमें कोर्ट की इंटरवेंशन भी होती है तो तीन तरीके होते हैं तीन रूल्स हैं जिन रूल्स के तहत आप जो है आपकी जो मैरिज है वो खत्म हो सकती है पहला रूल क्या है उसमें अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ इसमें court intervene नहीं करता है है? है में, ठीक ये दो तरीकों का होता मुबारक एंड तलाक खुला होता है जो वुमेन देती है मैन को कि मुझे तुमसे खुला चाहिए मैं से जो है मुझे तलाक दे दो जो वुमेन इनिशिएट करेगी मुबारक होता है वो जो म्यूचुअल कंसेंट पे होता है कि हाँ दोनों की मर्जी है तलाक ले लेना ठीक है ये खुला और मुबारक इसको बोलते हैं खुला का कहीं पे इसको कोल भी बोला जाता है तो आ, बोला तो खुला ही जाता है लेकिन स्पेलिंग में कहीं ऐसा भी लिखा आता है तो उसमें आप कन्फ्यूज नहीं हो जाना मुबारक में बोध पार्टीज होती हैं दे डिजायर सेपरेशन और इनिशिएट कोई भी कर सकता है और खुला में कौन करता है वुमेन इनिशिएट करती है तलाक जो जो होता है, है वो डिवोर्स कर सकता है अपनी वाइफ को एज पर मुस्लिम लॉ इसमें कोर्ट इंटरव्यू नहीं करता है वो तीन तरीकों का होता है तलाक एहसन तलाके हसन एंड तलाक बिदत तलाक, तलाक, तलाक एहसन होता है सिंगल प्रनाउंसमेंट ऑफ तलाक एक बार सिंगल प्रनाउंस किया उसके बाद उनको वेट करना होता है फॉलोड बाई पीरियड ऑफ कंजुगल एब्सिस्टेंस टिल द कम्प्लीशन जब तक इद्दत कंप्लीट होती है दैट मीन जब तक उस फीमेल की इद्दत कम्पलीट होगी तब तक वो कोई सेक्सुअल रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं अगर ये सब उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो एब्सेंट होना चाहिए अगर ये सब चीजें हो गई तो तलाक एसन के तहत तलाक हो जाती है तलाक हसन होता है तीन प्रनाउंसमेंट्स ऑफ तलाक मेड ड्यूरिंग थ्री मेंस्ट्रुअल साइक पीरियड्स और इस टाइम पे कोई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जो है उनके बीच में नहीं हुआ होना चाहिए तीन महीनों में तो तीन प्रनाउंसमेंट्स किस में होगी तलाक एसन में तीन सक्सेसिव मैंस्ट्रल पीरियड्स में और उसके बीच में कोई उनका सेक्सुअल रिलेशन नहीं हुआ है तलाके ऐसा में सिंगल प्रनाउंसमेंट होती है और इद्दत तक आपने कोई आपस में सेक्शुअल रिलेशन जो है वो डेवलप नहीं किया है तीसरा है आपका तलाक बिद्दत ये सारे स्कूल फॉलो नहीं करते तलाके बिद्दत ये किसी किसी सेक्ट में किसी किसी स्कूल ऑफ थॉट में फॉलो होता है इसमें क्या होता है प्रनाउंसमेंट तीन तरीकों से हो सकती है पहला एक सिंगल सेंटेंस में हो गई कि मैं तलाक दे रहा हूं या तीन सेपरेट सेंटेंसेस में कि तलाक दे दिया तलाक दे दिया तलाक दे दिया ठीक है या दूसरा क्या हो सकता है सिंगल में बट क्लियर प्रनाउंसमेंट एज कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ इिवोकेबली कि वो जो आप रिवोक नहीं कर सकते वो वाला तलाक ठीक है ये तलाक बिदत तलाक बिदत एक्चुअली प्रॉब्लम बन रही थी बड़ी तो इसको लेके फिर ट्रिपल तलाक लॉ जो है आया इंडिया में वो इसी तलाक बिदत के अगेंस्ट आया था अब ये क्यों आया था क्योंकि जो पहले दो ये हैं तलाके एहन और हसन इनमें दोबारा कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस है मैरिज दोबारा इस्टेब्लिश कर सकते हो क्योंकि कंडीशन क्या है सेक्सुअल रिलेशन का एबसेंट होना तो ये दोबारा बन सकता है लेकिन तलाक बिदत जो है ये दोबारा आप शादी इसमें री नहीं कर सकते मैरिटल टाइज हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट केस आया था शाहबानो केस उसी को लेके फिर आपका क्या बना था तलाक ट्रिपल तलाक ठीक है वो इसी के अगेंस्ट आया था तलाक के बिदत के अगेंस्ट आया था तो ये याद रख लेना क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट है और हमने क्या कहा था डिवोर्स जो रिकगेनाइज तो करता है शरिया एक्ट 1937 ठीक है वो एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमने अभी तक पढ़ा और ये शरिया एक्ट शरिया एक्ट के अकॉर्डिंग तीन टाइप्स ऑफ डिवोर्स होते हैं पहला हो गया इला इला होता है अगर हस्बैंड जो है वो अल्लाह की कसम खाएगा तो एब्सटेंस फ्रॉम सेक्शुअल रिलेशन विद हिज वाइफ चार महीनों के लिए तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं बनाऊंगा या किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ठीक है और वो ये चीज पूरी भी करता है तो मैरिज डिजॉल्व हो जाती है जहर होता है जिसमें हस्बैंड अपने होश हवास में बाहोश हवास ये बोलता है कि तुम मेरे लिए मेरी माँ हो मेरी माँ जैसी हो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो गया इस स्टेटमेंट का एक दूसरा मीनिंग भी है कि उसकी वाइफ अब उसके लिए हराम हो गई क्योंकि उसने कसम खाई अल्लाह की कि ये जो बीवी है मेरे लिए अब मेरे लिए हराम हो गई तो इससे भी क्या होता है शादी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है लेकिन वुमेन बाद में है इस केस में कोर्ट जा सकती है जो हमने पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग कोर्ट इंटरवेंशन नहीं होती है इसमें कोर्ट जा सकती है लियान होता है अगर हस्बैंड जो है वो अक्यूज करता है वाइफ को ऑफ बीइंग गिल्टी ऑफ एडल्ट्री कि तुमने कोई किसी और के साथ कोई रिलेशंस जो है वो बनाए हैं इस वजह से वो उसको तलाक दे रहा है लेकिन उसके बाद में कोर्ट जा सकती है उसको विड्रॉ करवाने के लिए एलिगेशन को और हस्बैंड को बोलने के लिए अगर मैंने बनाया है तो इन चीजों को प्रूव करो तो इसमें कोर्ट इंटरवेंशन है मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले में नहीं है तीसरा जो आया था एज पर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ये पास हुआ था जूरिंग ब्रिटिश पीरियड एंटाइटल्ड मुस्लिम वुमेन जो है वो सीक कर सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फॉलोइंग ग्राउंड्स पे औरत किन ग्राउंड्स पे मांग सकती है पता नहीं है चार साल से हस्बैंड कहाँ है दो साल से कोई खर्च नहीं दिया है हस्बैंड जेल में है सात साल या ज्यादा से हस्बैंड आपका इम्पोर्टेंट है तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता फेलियर ऑफ हस्बैंड टू फुलफिल म्यूचुअल ऑब्लीगेशन फॉर थ्री ईयर्स ठीक है उसमें भी वो फेल हो रहा है अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा है पागल हो गया है दो साल हो गए हैं इस चीज़ को या कोई इनक्योरेबल डिजीज़ का शिकार हो गया फॉर एग्जाम्पल लिप्रसी वगैरह हस्बैंड फिजिकल और मेंटली काफ़ी क्रूअल है ठीक है हस्बैंड मैरिज हजबेंड मैरिजेड अपॉन हर बिफोर शी अटें 15 इयर्स ऑफ एज तो आप डिवोर्स सीक कर सकते हो इस केस में अगर 15 साल से पहले आपकी शादी हो जाए लेकिन वो आपको कब करना है जब तक आप 18 इयर्स के हो जाओगे उससे पहले तो इन सारे केसेस में वुमेन जो है वो डिवोर्स मांग सकती है हस्बैंड को एज पर योर मैरिज एक्ट नाइनटीन अब ट्रिपल तलाक बिल इसका ऑफिशियल नेम क्या है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में जून 2019 को और ये किस केस से रिलेटेड है आपका शाहबानो केस ये भी याद रख लेना सिंपल तलाक अब ये क्या है ये बनाता है डिक्लेरेशन ऑफ तलाक के बिदत क्योंकि तलाक के बिदत में आप दोबारा मैरिटल टाइज को रीइस्टैब्लिश नहीं कर सकते चाहे वो आपने बोल के किया हो एसएमएस से किया हो या व्हाट्सएप से किया हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किया हो तलाक के -e बिदत रेफर्स टू द प्रनाउंसमेंट ऑफ तलाक थ्री टाइम्स बाय मुस्लिम मैन एक ही सेटिंग में तीन बार ही बोल दिया मैं तुम्हें तो तलाक देता हूँ ठीक है फिर रिस्टैब्लिश नहीं कर सकते इसको इंस्टेंट एंड इिवोकेबल डिवोर्स बोला जाता है जो ट्रिपल तलाक बिल है इसके अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ तलाक के -e बिदत जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है अब ऑफेंस आपके कॉग्निजेबल हो सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल हो सकते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफेंस है इसमें क्या होता है इमिडिएटली आप अरेस्ट कर सकते हो जो भी इसमें गिल्टी होगा उसको विदाउट एनी वॉरेंट तो जैसे कहते हैं ना कि मुझे पहले वारंट दिखाओ अगर अरेस्ट करने आए हो तो आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ती या अगर आपको इस केस में इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये केस हुआ है कि नहीं उस केस में आपको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और एक वारंट के बिना आप अरेस्ट भी कर सकते हो या इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस को बोलते हैं तो इस जो ये लॉ बिल बनी थी लॉ बनाया था इसके अकॉर्डिंग ट्रिपल तलाक जो है उसको क्या बनाया ट्रिपल तलाक में किस वाले पार्ट को तलाके बिदत को उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया अब कुछ डिफरेंस देखते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ये बस कंक्लूजन है इस टॉपिक का एम्स एंड आइडियल्स क्या थे धर्मा प्रजा एंड रति धर्मा नंबर वन पे था पंच महाजनियाज ये भी हमने पढ़ा पितरी रना ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इस वजह से शादी करते हैं मुस्लिम में क्या है सेक्शुअल सेटिस्फैक्शन एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिटल बॉन्ड तो इसको इनसेपरेबल बोला जाता है फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और डिवोर्स वगैरह को परमिट करना पड़ा इसको इरेवोकेबल नहीं बोला जाता इसलिए इसको एज ए मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाता है री एंड विडो री काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मैरिज सेक्रेट है अगर आपकी वाहन चली गई आपकी बारह तो वहां से अर्थ ही आ सकती है ये वाला कॉन्सेप्ट था तो अगेन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं विडो रिमैरिज जो है वो पहले से अलाउड थी सिर्फ इद्दत जो है वो क्या था एक कंडीशन थी नो स्कोप ऑफ पॉलीगैमी इसमें कंप्लीटली बैंड है उसका मैंने मैरिटल एक्ट भी आपको बताया था अगर आपको याद होगा तो कॉमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा वाला एक्ट था और यहाँ पे पॉलीगैमी जो है मेन के लिए परमिसेबल है मेहर एंड डाउरी यहाँ पे लड़की को देनी होती है यहाँ पे डावर का ट्रेडिशन है जो कौन देता है लड़का देता है क्वेश्चन ऑफ टें्प्रोरी मैरिज डज नॉट राइज अमंग हिंदूज क्योंकि मैरिज जो है वो सीक्रेड है परमानेंट है ट्रेडिशनल बिलीफ है इर है तो कोई वाइड मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे टेम्प्रोरी मैरिजेस हैं जिनको मुट्टा मैरिज भी बोलते बोला जाता है ठीक है सुनी में खत्म हो गया शियास प्रैक्टिस करते हैं लेजिस्लेशन अफेक्टिंग मैरेजेज काफी ज्यादा टाइम टाइम लाए गए हैं जो हमने इस वीडियो में देखे हैं मुस्लिम मैरिज स्पेशली इंडिया हैज नॉट बीन अफेक्टेड मच बाय द लेजिस्लेटिव फैक्टर्स इट हैज अंडरगॉन जस्ट टू और थ्री लेजिस्लेश जो हमने अभी एक्ट्स वगैरह देखे पीछे शरिया एक्ट वगैरह और रिसेंटली इसमें कौन सा लाया था ट्रिपल तलाक वाला ये सारी चीज आपको याद रखनी होगी तो यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं नेक्स्ट हमारा रहता है फैमिली किनशिप को मैं कोशिश करूंगी नई वीडियो में कवर करने की मैरेजेज जो है टॉपिक आपका इन डिटेल कवर हो गया है क्विज नंबर टू भी जब अपलोड होगा तो वो आप अटेम्प्ट करना उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगी तो अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर केयर हैव अ ग्रेट डे डू टेक ऑफ योर हेल्थ बाय